गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। जैसा कि तुम सबको पता है कि मेरा गया का ट्रिप खत्म हो चुका है, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। आगे का प्लान ऐसा है कि अब मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट ट्रिप अपना कहाँ का होगा, कब होगा, कैसे होगा, सोलो होगा या साथ में दोस्त भी होंगे। तो आज इस चीज़ पे हम बात करेंगे। बात क्या करेंगे, मैं प्लान करूंगा और फिर तुम लोगों को बताऊंगा कैसे क्या सीन है। तो चलो फिर आज का दिन ऐसे ही शुरू करते हैं। ठंड बहुत है, तो अब इससे पहले कि हम कुछ प्लान करें, उससे पहले मेरे को एक दो काम है, जो कि सबसे पहले मेरे को जैकी से मिलने जाना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम है तो ये उसका एडमिट कार्ड है, मैं उसको उसका एडमिट कार्ड देने जा रहा हूँ। और मेरा एडमिट कार्ड कहाँ है, एग्ज़ाम तो हम दोनों का है वैसे। अच्छा हाँ, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू अपेयर इन द एग्ज़ाम, ठीक है, क्यों मैं बाद में बताऊंगा, या शायद नहीं भी बताऊं, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो इस पर डिस्कस करेंगे बाद में। खैर चलते हैं, पहले इस जैकी के एडमिट कार्ड को दे के आते हैं उसके घर पे, और मेरे को एक दो चीज़ें और लेनी है वहाँ से जो कि काफ़ी ज़रूरी है, वो तुम लोग को वहीं चल के पता चल जाएगा मैं क्या ले रहा हूँ। वो ले के आते हैं और फिर बात करते हैं अपने आगे के प्लान्स पे। चलो, नहीं नहीं, मेरे को बस यूएसबी केबल चाहिए सी टाइप का। ये आपके साथ 350 की पड़ेगी, ये 200 की है, दोनों की 6 महीने की वारंटी। और ये कितने की है? 200 की है। 200 की और वो 350 की? नहीं भाई, 200 वाला ही दो, सस्ता चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं चाहिए। ये भी 6 महीने। फ़ोन होल्डर दिखा दो अगर हो तो। ये क्या घूम जाता है क्या ये पूरा? 360 पूरा घूम जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, एडजस्टेबल है, 360 घूमता है, और बाइक में जब मैं मोटो व्लॉगिंग करूँगा तो ये फ़ोन के काम आएगा, और फ़ोन से रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी थोड़ी बहुत, फेस की अगर रिकॉर्डिंग करनी हो तो फ़ोन की हो जाएगी, और वॉइस के लिए तो ऑब्वियसली मेरे पास माइक रहेगा ब्लूटूथ वाला। सो आई थिंक वी आर डन हियर। मैंने अपना सामान ले लिया, फ़ोन होल्डर ले लिया था, फ़ोन पे कवर लगवा लिया था, और मैंने ये लगवाया यहाँ पे जय बालाजी शॉप से, मोबाइल शॉप से, सेक्टर 75 में मार्केट है। और भैया को जब पता चला कि मैं यूट्यूब पे हूँ तो भैया ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो थैंक्स टू हिम, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं, इसको किसी मैकेनिक के शॉप पे ले चल के लगवाता हूँ, और फिर आज का जो मैंने प्लान बताया था उस प्लान पे काम करते हैं, और बाकी का भी कुछ काम करते हैं, ठीक। ओके, सो फाइनली थोड़ा बहुत मैंने डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट ट्रिप क्या होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा। तो डेट शायद डिसाइडेड नहीं है, बट मंथ मैंने डिसाइड कर लिया कि कौन से मंथ में नेक्स्ट ट्रिप होने वाला है, ठीक। ये सब बताता हूँ, इससे पहले मेरे को एक छोटा सा काम है, मैं जा रहा हूँ। मैंने वो जो लिया था ये होल्डर जो लिया था, फ़ोन होल्डर, कहाँ गया भाई, आजा, हाँ ये वाला, इसको गाड़ी में लगवाते हैं ताकि मैं जा थोड़ा बहुत यूज़ कर पाऊँ इसको, और साथ में मेरे को विशाल मेगा मार्ट जाना है, तो वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा 10-15 मिनट का काम है, करके आते हैं, फिर पूरा बताता हूँ तुम लोगों कैसे क्या प्लान है नेक्स्ट। तो द थिंग इज़ कि मैं जिसके लिए आया था विशाल मार्ट, वहाँ पे यहाँ पे वो चीज़ दिखी नहीं, ठीक है। बाकी मेरा बाइक का काम हो गया, बाइक पे जो मेरे को फ़ोन होल्डर लगवाना था वो तो लग गया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ घर, और अब बाइक पे जब फ़ोन होल्डर लगाया तो फ़ोन को होल्ड करके बट ट्राई भी करेंगे कि क्या सही से काम कर रहा है, यानी क्योंकि मेरे को थोड़ा लूज सा लग रहा है, लूज होगा तो यार फिर दिक्कत होगी मेरे को। चलो वह ट्राई करते हैं इसको। मैं आ गया हूँ घर, और मेरे साथ सीन ये हो गया है कि ये जो होल्डर है इसमें मेरा फ़ोन नहीं लग रहा है। इस पे लिखा हुआ यूनिवर्सल मोबाइल होल्डर, तो मेरे को लगा था कि सारे फ़ोन्स लग ही जाएंगे। कल वापस करूँगा और देखता हूँ दूसरा मिलेगा तो लूँगा, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना यार, अब कल जाके ही पता चलेगा, जिससे लिया मैंने उसको बोलूँगा, ठीक है। खैर अब बात करते हैं कि अपने नेक्स्ट ट्रिप की, जिसके बारे में मेरे को बात करनी थी। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा फ्री हो चुका हूँ, थोड़ा सा क्या काम अभी भी है ऑफिस का, इसके बाद कर लूँगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप की, आगे का प्लान क्या है। गया का ट्रिप खत्म हो गया, तो नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान है हरिद्वार ऋषिकेश। अगला ट्रिप मेरे को हरिद्वार और ऋषिकेश का करना है। अब बात आती है कब, तो अभी क्या है कि थोड़ा बहुत ऑफिस का काम है ही, काफ़ी दिन मैंने गैप दिया इधर, तो अब हरिद्वार ऋषिकेश मैं नेक्स्ट मंथ में जाऊँगा। नेक्स्ट मंथ मतलब अब नेक्स्ट ईयर ही हो गया वो, ऑब्वियसली जनवरी में जाऊँगा मैं। जनवरी में कब, तो ये डिसाइडेड नहीं है डेट कि कब, बट मोस्ट प्रोबेबली 10th of January के बाद। अब सोलो या दोस्तों के साथ कैसे, तो मेरा प्लान वैसे सोलो का था, बट मेरे कुछ दोस्तों को जब पता चला कि मैं प्लान बना रहा हूँ तो उन्होंने बोला कि भाई हमें भी इंक्लूड कर लो, मोस्ट प्रोबेबली हम भी चलेंगे, जिसमें से एक का कन्फर्म है वो है जैकी,
जबकि काफी हद तक कंफर्म है। एक और मेरा दोस्त है अक्षय, शायद वो भी चलेगा, और शायद पता चले तो मेरे एक दो दोस्त और भी रेडी हो जाए, ठीक है। बाकी अब अगर दोस्त जा रहे हैं तो तुम में से भी अगर कोई जाना चाहता है, लाइक मैं अभी दिल्ली में हूँ, आसपास में कोई रहता है और जाना चाहता है हरिद्वार ऋषिकेश, तो चल सकता है, कॉन्टैक्ट कर लेना। जनवरी में चलना है मेरे को, कॉन्टैक्ट कर लेना, उसके हिसाब से चल लेंगे, प्लान बना लेंगे। उसके अलावा इन बिटवीन माय नेक्स्ट ट्रिप, अगर कोई प्लान बनता है कहीं और जाने का अचानक से, तो उसका भी व्लॉग आएगा। हाँ, तो अब एक और चीज कि जो हरिद्वार ऋषिकेश का ट्रिप होगा वो कितने दिन का होगा, तो सही बताओ तो ये भी मैंने डिसाइड नहीं किया कितने दिन का होगा। ये लाइक अब मैंने बता रखा है कि सोलो नहीं है, तो चार लोग पांच लोग जितने जितने लोग भी होते हैं, तीन लोग चार लोग पांच लोग, वो हम मिलके फिर प्लान करेंगे कि कितने दिन का जाएंगे, बजट क्या होगा, ठीक है, या हम एस्टिमेट कितना कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे हम कितने दिन वहाँ स्टे कर रहे हैं। तो वो एक बार प्लान करना पड़ता है उसके, तो वो चीज़ें तभी तुम्हें पता चल पाएंगी। और कि फिर प्लान्स में यही था, बाकी कुछ नहीं है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगला ब्लॉग कब आएगा ये तो डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तब के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो और ढेर सारा प्यार दिखाओ यार चैनल पे जाके। तुम लोग के बिना कुछ नहीं है चैनल, और 200 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उसका Q&A के लिए आज मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दिया हूँ। चलो यार मिलते हैं तुम लोग से जल्दी, बाय बाय।